नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके साथ वीवी इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक बहुत अच्छी चीज समझाने वाले हैं। अभी थोड़ा देर पहले मिस्टर राकेश सिंह जी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। जैसे कि आपके सामने चार्ट दिख रहा है, तो जैसे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए जैन को सेलेक्ट किया, तो देखिए जैन का हमारा चार्ट आ गया और चार्ट में डिजाइन भी चेंज हो गई, कलर भी चेंज हो गया। यहाँ देखा मार्च में भी कलर चेंज हो गया, अगर हम अप्रैल करते हैं तो अप्रैल का देखिए डिजाइन चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। देखें तो इस तरह से चीजें हो रही है। तो कैसे हो रही है, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे कर रहे हैं। बस हमें छोटा सा डेटा लेना है। इसको कॉपी किया, सीट पे गया, पेस्ट करता हूं और हेडिंग को लेता हूं नीचे तक, यहां पेस्ट करते हैं और यहां पे हम वन मैनुअल लिखते हैं और यहां पे हम ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं। ऑफसेट हमने रेफरेंस को सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, कॉलम में जीरो कर दिया। अब इस A13 को हम फ्रीज कर देते हैं F4 से और फिर इसको आगे तक ड्रैग कर देते हैं। तो जैसे मैं 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 इस तरह से, तो चार्ट ए डेटा चेंज होगा और हम यहाँ पे आते हैं अपने हिसाब से जो चार्ट मुझे चाहिए वो चार्ट यहाँ से ले लेते हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने ऐसा लगा कि कब किसी दोस्त को इसकी जरूरत है तो आप उनको फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। तो अभी हो गया, अब हम राइट क्लिक करके आते हैं सीट के ऊपर, सीट नेम के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाते हैं और यहाँ पे हम वर्कशीट लेते हैं और ऑटोमेटिक आपको सिलेक्शन चेंज आ जाएगा। अगर सिलेक्शन चेंज नहीं आया तो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा सिलेक्शन चेंज। अब यहां पर मुझे कोड लिखना है कि जो हम पे क्लिक करता, हालांकि इसमें बहुत सारे कोड्स हैं, लेकिन क्या है कि मेरी जो मैं जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वीवी से ज्यादा फैमिलियर, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं डालना। ये आपका A13 है, हम बस यहां पर लिखेंगे कि रेंज A13 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो माइनस वन। तो हमने सिंपल सी बोला कि ये जो A13 है इस पर जो नंबर है जहां मैं क्लिक कर दूं, इसमें मान लीजिए मैंने A5 पे क्लिक किया तो 4 नंबर आप यहां पे दे दें। तो यहां पे 4 नंबर आने से यहां पे जो ए है हमारा ऑफसेट फार्मूला है इसका रिजल्ट दे देगा। इसका रिजल्ट देने से यहाँ पे आपका सिर्फ अप्रैल महीने का ही चार्ट आएगा। तो हमने सिंपल सा यहाँ पे किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इसका जो ए है, क्या बोलते हैं, डिजाइन जो है वो डिजाइन हर बार चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे कि dim r as a integer और हम यहाँ पे देते हैं कि यहाँ पे r equal to application dot worksheet function dot रैंड बिटवीन, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि 200 से लेके 250 तक, ये कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड माइक्रो कर लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। मैं कोड लिखूंगा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रिकॉर्ड किया हमने, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ चार्ट डिजाइन में गया और हमने चार्ट के डिजाइन को डाल दिया और इसको मैं यहाँ से चार्ट डिजाइन दे दिया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जो फिगर है उसको, और यहाँ से हम कलर जो है इसका मान लीजिए रेड कर देते हैं और बस स्टॉप करते हैं। अब यहाँ मॉड्यूल्स 1 इंसर्ट हुआ होगा, इसमें देखिए एक कोड है, बस मुझे यहाँ पे इस कोड को सेलेक्ट कर लेना
और यहाँ सीट वन सीट टू के ऊपर डबल क्लिक करके एक कोड मुझे इसके नीचे अब यहाँ पे देखिए 208 आ रहा है, 208 की जगह पे मैं आर दे देता हूँ, जो आर हर बार अपने आप को चेंज करेगा। अब यहाँ पे देखिए कलर, कलर के लिए मैं चाहता हूँ और हर बार अलग अलग कलर हो, तो मैं यहाँ पे आरजीबी के लिए मैं तीन वेरिएबल लेता हूँ कि डिम आर आर कॉमा जी कॉमा बी एज ए इंटीजर मैं कर देता हूँ इंटीजर। और फिर मैं यहाँ पे सेम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला ही लूंगा और बट इसमें आर आर दूंगा यहाँ पे, तो रैंडम नंबर हमेशा देता रहे, हर बार अलग अलग नंबर देता रहे, इसलिए मैं ए ले रहा हूँ यहाँ पे 200 से लेके 255 तक। आर के जगह पे जी हो जाएगा, इसके जगह पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे हमें देना है आर आर, यहाँ पे देना है जी, यहाँ पे देना है बी, रेड ग्रीन ब्लू। और फिर यहाँ पे एक काम और करना है, हाँ वैल्यू के जगह पे डॉट्स लें, बस इतना ही सॉफ्ट थोड़ा कोड करना है बस, आप कुछ अब मैं इस पे यहीं पे कर्सर रखता हूँ, आप देखिए। सॉरी एक छोटी सी दिक्कत हो गई, ए लुई सेलेक्ट नहीं करना, A13 नहीं करना है। देखिए कलर है चेंज हो गया, हर बार एक नया स्टाइल, नया कलर, नई हर चीज। मान लीजिए मुझे मई का चाहिए तो मई को सिलेक्ट कर लिया, मुझे अगस्त का चाहिए तो अगस्त का कोई और कलर, अप्रैल अप्रैल का कोई और कलर, तो हर बार क्या कलर होगा और क्या डिजाइन होगा नहीं बोल सकते, हर बार अपने आप को चेंज कर रहा है, एवरी टाइम अपने आप को चेंज कर रहा है। जी हम चार्ट के स्टाइल भी चेंज, क्या बोलते हैं, टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस रिकॉर्डिंग माइक्रो को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड की गई माइक्रो में थोड़ा सा इनपुट चाहिए, जैसे कि चार स्टाइल तो हमने उसको रैंड बिटवीन से ले लिया हुआ है, कलर हमने उसको रैंड बिटवीन से ले लिया हुआ है, बस हमने छोटा सा इतना ही किया हुआ है। हाँ इसमें और भी चीज़ें हो सकती है कि क्योंकि मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो आपका चार्ट ब्लैंक हो जाता है, तो ऐसा ब्लैंक ना हो, ऐसा ब्लैंक ना हो, क्यों, क्योंकि हमने क्लिक पे किया हुआ तो हमें यहाँ पे कंडीशन डालना होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है बट सब एक ही वीडियो में बताना पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए और इसी तरह से सीखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ कंप्लीट क्लास लेना चाहते हैं तो दो तरह के मीडियम में ट्रेनिंग का देता हूँ। सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सके मेरे इस चैनल जूम ऐप से। जी हाँ, जूम ऐप से आप डायरेक्ट क्लास ले सकते हैं, जूम ऐप में लॉकडाउन में नहीं, मैं 2007 से ही क्लास दे रहा हूँ जूम ऐप एंड गो टू मीटिंग के थ्रू, बहुत पुराना मैं ट्रेनर हूँ और 2007-08 से मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं, जो इसमें अच्छा लगे आप मुझे बताइएगा, हम आपको दे देंगे। आप अपनी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे डिटेल दे देंगे, डिटेल आप वहां जाके देख लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके सामने है। थैंक यू।